हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मगर ऐसा मुझे मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का, मगर मैंने कर लिया क्योंकि ये वाला जो रास्ता मैं दिखा रही हूँ ये वाला नया ब्रिज है और जाते वक्त अगर मुझे फैंसी बाजार जाना है तो इस ब्रिज से हम लोग जा सकते थे। तो ये नॉर्थ गुवाहाटी से है जो कि बीच में ब्रह्मपुत्र पड़ता है, तो आपने न्यूज़ देखा ही होगा। पहले नॉर्थ गुवाहाटी जाने के लिए हमें ऐसे शिप पर जाना पड़ता था, तो अभी यहाँ पर मतलब कि ब्रिज बन रहा है जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने इसका एक वीडियो क्लिप कर लिया था क्योंकि मैं गुवाहाटी पे नहीं रहती हूँ, मैं बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट पे रहती हूँ और गुवाहाटी में आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो बना लूँ क्योंकि मेरे हर वीडियो में नया नया सब मैं जो भी देखती हूँ मैं उसको शूट कर लेती हूँ। तो ये जो बड़ी सी नदी है इसका नाम जो असम से बिलोंग करते हैं उनको मालूम ही होगा, ये ब्रह्मपुत्र है, बहुत ही बड़ा नदी है। तो यहाँ देख सकते हो आप ऐसा शिप खड़ा रहता है, अगर आपको कहीं घूमना है तो जा सकते हो। तो मैं आई थी अपनी नीस के साथ, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैंने ऐसे थोड़े से मॉल के ऐसे वीडियो शूट कर लिए। ये यहाँ से मतलब अपने हॉस्टल के लिए कुछ सामान ले रही थी जो उसकी ज़रूरत के सामान है, तो इसने मतलब इसको जो जो अच्छा लगता था उसने ले लिया। और फिर हमने यहाँ से हॉट स्पाइसी वाला मैगी भी लिया था जो आके हमने खाया, बहुत ही स्पाइसी था, बहुत ही मतलब कि टेस्टी भी लगा मुझे क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मुझे थोड़ा तीखा खाने का मन था, और वो भी मेरी नीस ने ही मुझे बना के खिलाया। तो मेरी नीस तो बहुत ही छोटी है, उसके बर्थडे में हूँ तो कल उसका बर्थडे है, 3 अगस्त है कल, तो मैं एक्साइटेड हूँ। उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी अपने घर पर और मेरी नीस भी चली जाएगी हॉस्टल पे, तो वो शायद से पूजा में आएगी और मैं भी शायद पूजा में आऊँगी तो मैं उससे मिलने के लिए आऊँगी। तो ये मैगी वाला सेक्शन था, तो दीदी बता रही थी यहाँ पे एक बड़े मैगी के साथ एक बड़ा मैगी फ्री था जो हमने नहीं लिया। फिर दीदी ने ऑर्डर किया, हम एक होटल पर आए खाने के लिए, दीदी ने मसाला डोसा ऑर्डर किया है, बच्चों लोगों ने मैगी और मैंने भी डोसा ही ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन नहीं था पर फिर भी थोड़ा बहुत भूख लग रहा था, तो मैंने प्लेन मसाला डोसा ऑर्डर कर लिया था। तो बच्चे मैगी खा रहे थे और मैंने डोसा खाया, हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया। फिर आते वक्त मैंने फिर से ब्रह्मपुत्र का थोड़ा सा वीडियो लेने की कोशिश किया, मगर यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे लगा हुआ था जिसके कारण से ब्रह्मपुत्र देख नहीं पाई मैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्लाउड थोड़ा सा ऐसा ब्लैक ब्लैक हो गया था क्योंकि कल से थोड़ी बारिश आ रही है यहाँ पर, गुवाहाटी का वेदर थोड़ा ठंडा है, अदरवाइज़ तो गुवाहाटी में बहुत ही गर्म होता है, विदाउट एसी तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि अभी सब जगह में एसी बस चल रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है। फिर यहाँ से ऐसे बस थोड़ा सा ट्रैफिक था इसलिए रुक रुक के जा रहा था। वो देखो ब्रह्मपुत्र दिख रहा है, ब्रह्मपुत्र का अभी वाटर लेवल थोड़ा सा हाई है तो वहाँ पे हाई अलर्ट कर देते कि हम मतलब नदी के किनारे ना जाए क्योंकि ऐसा लगता है कि नदी किनारे ऐसा कुछ मतलब कि हम वीडियो शूट कर सकते या फ़ोटो भी ले सकते हैं, मगर वहाँ की जो मिट्टी होती है धस जाती है अंदर, तो वहाँ पर हमको जाने के लिए मना करके रखा है क्योंकि वहाँ पर अभी पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। तो हम ऐसे बस में ऐसे सफ़र करके मालीगांव पे आए थे। एक्चुअली मेरा निकलने का रीज़न था कि मेरी नीस का मतलब आई में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, तो डॉक्टर का टाइमिंग इवनिंग में था, तो हम मैंने और दीदी ने सोचा क्या करें, चलो यूं ही हम घूम के आते, तो हम ऐसे थोड़ा सा घूमने चले गए थे पल्टन बाज़ार और वहाँ से हमने कुछ कुछ सामान लिया जो मतलब कि मेरी नीस के लिए इम्पॉर्टेंट था उसके हॉस्टल के लिए, तो उसने ऐसा सारा सामान ले लिया। तो बहुत मज़ा आया क्योंकि ऐसे फैमिली के साथ आउटिंग करना इतना होता नहीं है, और अभी नीस सब बड़ी हो गए, पहले छोटी थी तो इतना नहीं निकलते थे उन लोग, अभी बड़ी हो गई तो मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ घूमना बातें करना और वो मेरी बहुत बातें सुनते हैं। और ऐसे हम लोग ये है फैंसी बाजार, तो ऐसे बस रुक रहा था और हम मतलब कि दूसरे वाले बस में बैठे थे क्योंकि मेरी जो छोटी वाली नीज़ है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है एसी से, तो वो एसी वाला बस प्रेफर नहीं करती, तो हम जो ऐसे नॉर्मली बस होता है जिसमें खिड़की से विंडो से हवा आता है, तो हम वाले बस में बैठे थे, मगर तो भी ठीक ही था क्योंकि वेदर ठंडा ही है इसलिए इतना मतलब गर्मी का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग घर पे आके हम लोगों ने वो हॉट एंड स्पाइसी वाली मैगी खाई जो बहुत ही मज़ा आया,
और उसके बाद थोड़ा जूस पिया, फिर मैंने उनके लिए कुछ कुछ ऐसे कुक किया, मतलब जो उनको खाने का मन था। तो मैं उनकी मौसी लगती हूँ, तो उन लोग भी मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, और ऐसा प्यार दिखाने का मौका यही सब होता है, क्योंकि सब लोग बिज़ी लाइफ में तो ऐसा होता है ना, सब बिज़ी हो जाते हैं, तो टाइम मिलता नहीं है किसी से भी बातें करने का, मुलाकात करने का। जब भी मिलता है तो फिर हम खूब इंजॉय करते हैं। तो ये रहा नॉर्थ गुवाहाटी का, उस तरफ से ब्रिज बन रहा है, क्योंकि बस वहाँ से हम आ सकते हैं, जा नहीं सकते, जाने का रास्ता भी बंद करके रखा हुआ है। अगर आप मालीगांव से आओगे तो आप उस नए वाले ब्रिज से आ सकते हो, जा नहीं सकते। जाने का रास्ता अलग था, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी, ये जो जाने का रास्ता है वो अलग है, मालीगांव का रास्ता, ये दूसरी तरफ से हमको जाना है। अभी गुवाहाटी पूरा ही चेंज हो चुका है, पहले जैसा गुवाहाटी नहीं है, क्योंकि पहले गुवाहाटी बहुत ही छोटा था, अभी गुवाहाटी बहुत डेवलप हो रहा है आई थिंक, और इसको डेवलप होने के लिए 10 साल लग सकते हैं, धीरे धीरे बहुत डेवलप्ड हो जाएगा। हम जब छोटे थे तो हम दूसरे वाले रास्ते से ही आते थे, जो कि मैं अभी जा रही हूँ, वो वाले ही रास्ते से हम लोग आना जाना करते थे। अभी तो वो नया वाला ब्रिज बना है, तो वहाँ से हम आ सकते हैं मगर जा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा, ये है मतलब मैंने आपको नॉर्थ गुवाहाटी का जो नया ब्रिज बन रहा था मैंने वो आपको दिखाया, आपको कैसा लगा। अगर जब मैं दूसरे टाइम आई, अगर ब्रिज बन जाता है तो मैं उस तरफ भी सफ़र करने के लिए जाऊंगी, घूमने जाऊंगी, उस तरफ भी बहुत सारा जगह है घूमने के लिए, मगर मुझे ऐसे बोट पे जाना थोड़ा डर लगता था। तो अभी ऐसे रास्ता बन गया तो इजी है, सब लोग वहाँ से आ सकते जा सकते, क्योंकि नॉर्थ गुवाहाटी थोड़ा दूर पड़ता है गुवाहाटी से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। अच्छा, जाने से पहले मैं एक छोटा सा और वीडियो मैंने शूट किया था, ये मतलब ईयरिंग्स मिल गया था मुझे रास्ते पर, जो बहुत ही प्यारा सा ईयरिंग्स था, और मैंने यहाँ से कुछ ईयरिंग्स लिए और मेरी नीस ने भी लिए, और फिर हम लोगों ने मतलब नीस, छोटी वाली नीस के स्लीपर्स भी लिए एक शॉप से, क्योंकि वो बोल रही थी उसको स्लीपर चाहिए, तो घर में पहनने वाला एक स्लीपर भी ले लिया था। फिर उसके बाद हम लोग मतलब कि टेम्पू में दीदी मैं हम सब उठ कर आ गए अपने इलाके पर, अपने घर पर। फिर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, बात किया, फिर हमने शॉपिंग भी देखी क्या क्या लिया। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, देखते हैं मैं कौन सा और दूसरा वीडियो शूट करूँ। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।